दोस्तों मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं ये पत्ते। इन पत्तों को घर पर लाकर इनकी चाय बनाकर रोजाना दिन में एक बार पी लीजिए। अगर आपने दिन में एक बार पी ली और ऐसा ही आपने 7 से 8 दिन कर लिया तो जिनके भी यूरिक एसिड शरीर में बढ़ता है, जोड़ों में दर्द रहता है, सूजन आ चुकी है जोड़ों में, गांठें बन चुकी हैं जोड़ों के साइडों में और वहां लालिमा आ चुकी है, हाथ पैरों की उंगलियों में दर्द रहता है, तो ये समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों ये पत्ते बारिश के मौसम में बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। ये यूरिक एसिड को शरीर से बाहर करने का सबसे बढ़िया साधन है, जोड़ों के दर्द को दूर करने का सबसे बढ़िया साधन है। इसकी चाय बनाकर पीना बहुत फायदेमंद होता है। ये बॉडी को डिटॉक्स करता है। यूरिक एसिड बॉडी के लिए एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, प्रोटीन के ब्रेकडाउन से बनता है। यूरिक एसिड शरीर में कार्बन और नाइट्रोजन से मिलकर बनता है। वैसे तो किडनी द्वारा फिल्टर होने के बाद ये शरीर से फ्लश आउट हो जाता है, लेकिन अगर बॉडी में इसकी मात्रा बढ़ जाए तो ये कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर देता है। यूरिक एसिड का बढ़ना हमारे खान पान और जीवन शैली पर निर्भर करता है। बॉडी में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने से अर्थराइटिस, गाउट जैसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। गंभीर मामलों में हार्ट अटैक और किडनी फेलियर जैसी समस्या भी आ जाती है। अगर शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाए और इस पर ध्यान न दिया जाए, बॉडी को डिटॉक्स ना किया जाए, तो ये हाइपर यूरिसीमिया में कन्वर्ट हो जाती है। शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने से जोड़ों में दर्द, सूजन, जोड़ों में गांठों में लालिमा आना, हाथों पैरों की उंगलियों में दर्द होना, उठने बैठने में तकलीफ होना, चलने में दिक्कत आना, ये समस्या आ जाती है। हाई यूरिक एसिड को कम करने के कुछ नेचुरल ड्रिंक्स होते हैं। आज मैं इन पत्तों के द्वारा ऐसा नेचुरल ड्रिंक बनाने का तरीका बता रही हूँ और बनाकर दिखा रही हूँ जो बहुत ही आसान है। और ये पत्ते कौन से हैं उनके बारे में भी बात करते हैं। दोस्तों आपने पुदीने की चटनी तो खाई होगी, यहाँ हमने पुदीने की चाय पीनी है। दोस्तों 8 से 10 पत्ते आपने ले लेने हैं और 1 गिलास पानी लेना है। इस पानी को आपने गैस के ऊपर रखना है और पत्तों को धोकर आपने इस पानी के अंदर डाल देना है उबलने के लिए। 5 से 7 मिनट में ये पत्ते सिम फ्लेम पर उबालने हैं, वो भी ढक कर। इस तरीके से आप इस पानी को, इन पत्तों को उबालिए, उसके बाद गैस को बंद कर दीजिए और इसको हल्का सा ठंडा होने दीजिए। जब ये गुनगुना रह जाए तो सुबह खाली पेट ही आपने इसका सेवन करना है और किसी भी टाइम पर इसका सेवन नहीं करना, यानी सुबह सुबह खाली पेट ही करना है, क्योंकि सुबह सुबह बॉडी जितनी डिटॉक्स हो पाती है उतना पूरे दिन में नहीं हो पाती। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह सुबह हमें ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो बॉडी को डिटॉक्स कर सके, फाइबर फूड ज्यादा लेना चाहिए। तो दोस्तों ये पुदीने के पत्तों की चाय बन गई। 8 से 10 पत्ते लेने हैं, 1 गिलास पानी लेना है और आपने ये चाय दिन में एक बार सुबह काली पेट पी लेना है। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको 2 और ड्रिंक बनाकर दिखा रही हूँ जो बहुत आसान है घर पे बनाना और ये भी बॉडी में से जोड़ों के दर्द और यूरिक एसिड को दूर करने का काम करती है। पर ध्यान रखिएगा, इनकी मात्रा का ध्यान जरूर रखना है क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है। दोस्तों यहाँ हमने अजवाइन लेनी है। अजवाइन सिर्फ हमने 1/4 चम्मच लेनी है, 1 गिलास पानी लेना है। 1 गिलास पानी को आपने गैस के ऊपर रखना है और इसके अंदर 1/4 चम्मच अजवाइन डालकर उबालनी है। दोस्तों इस पानी को भी आपने सुबह खाली पेट ही पीना है। सुबह खाली पेट पीने से एक तो कब्ज की समस्या दूर होती है, बॉडी डिटॉक्स होती है, शरीर में जमा हुआ यूरिक एसिड एक क्रिस्टल के तौर पर, जो गांठों के तौर पर जमा हो चुका है, वो भी दूर हो जाता है। दोस्तों इस ड्रिंक का सेवन भी आपने सुबह खाली पेट ही करना है। अब तीसरे ड्रिंक की बात करते हैं। दोस्तों तीसरा ड्रिंक प्याज के द्वारा बनाया गया है। ये स्वाद में थोड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, फोलेट, ये सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों प्याज के अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, एंटी एलर्जिक गुण पाए जाते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो उनका कहना है कि प्याज के रस का सेवन करने से यूरिक एसिड का स्तर नेचुरल तरीके से शरीर में घटने लगता है। आप प्याज का सेवन कैसे कर सकते हैं? वैसे तो आप इसे कच्चा खा सकते हैं दिन में कभी भी जब आप खाना खाते हैं, लेकिन जूस का अगर सेवन कर रहे हैं तो सुबह खाली पेट ही करेंगे। यानी अगर जूस बनाकर पी रहे हैं तो सुबह खाली पेट पीना है,
दो प्याज लेने हैं, उनको कद्दूकस करके इनका जूस निकाल लीजिए या फिर आप मिक्सर में कैसे भी इनका जूस निकाल लीजिए। सेवन करने का तरीका बहुत सिंपल है, सुबह खाली पेट करना है या फिर आप दिन में कभी भी प्याज कच्चा खा सकते हैं, पका हुआ नहीं खाना। दोस्तों ये तीनों ही चीजें यानी कि पुदीने के पत्तों की चाय पीना या फिर अजवाइन की चाय पीना या फिर आप जूस पी रहे हैं तो प्याज का जूस या प्याज कच्चा खाना यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है, जोड़ों के दर्द की समस्या को दूर करता है। दोस्तों ये जानकारी ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए, आपकी हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।